हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको एक फेस पैक बताऊंगी जो एंटी एजिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। एंटी एज में जिनके पिंपल्स के निशान के दाग होते हैं बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा झाइयाँ होती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर है। और दूसरा, फाइन लाइन के लिए जितनी प्रॉब्लम है स्किन की, एंटी एजिंग की, उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें जो आज मैंने चीज़ इस्तेमाल की है वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने मुलैठी पाउडर लिया है। मुलैठी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, स्किन को कलर फेयर करने के काम भी होते हैं। दूसरा, एंटी एजिंग के लक्षणों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरा, मैंने इस्तेमाल किया इसमें वाइट चंदन। वाइट चंदन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन की टोन को फेयर करता है। दूसरा, चंदन में इतने गुण होते हैं, इतने ज़्यादा गुण होते हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। जिनके झाइयाँ पड़ गई हैं, झाइयों के निशान हैं, और दूसरा जिन झुरियाँ पड़ जाती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। तीसरा, मैंने इसमें लिया है आंवला पाउडर। आंवला में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, जो बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्किन को जितनी भी स्किन पर आपकी स्किन पर प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स के निशान हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हर एज के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और थोड़ा जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी कावलिन क्ले। ये भी आपको ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन वैसे मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, वही सेम कावलिन क्ले होती है। दोनों ही चीज़ें स्किन को फेयर करने के काम आती हैं, और मुल्तानी मिट्टी और कावलिन क्ले दोनों ही ऐसी है जो स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपकी स्किन पर झाइयाँ पड़ गई हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्किन को टाइट भी करती है, स्किन का कलर भी फेयर करती है आपका। ये अगर आप रेगुलर इस पैक को इस्तेमाल करेंगे, आपका स्किन का कलर 2 से 3 टोन तक फेयर होगा। और दूसरा, जितनी भी आपकी स्किन पर झुर्रियों की प्रॉब्लम है वो तो 95% आपकी ख़त्म हो ही जाएगी अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैंने जो इस्तेमाल किया है, ये मैंने गुलाब और गुड़हल के पत्तों का सीरम बनाया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और झुर्रियों के लिए तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैंने अभी पिछली वीडियो में थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, जो मैंने गुड़हल की पत्तियों से एक टी बनाई थी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इफेक्टिव थी, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट था। अब उसे अगर आप रेगुलर उस टी को इस्तेमाल करते हैं और इस सीरम को बनाकर आप इस पैक को लगाकर आप देखेंगे, आपको हफ्ते भर में आपको आपकी स्किन में 95% आराम होगा, क्योंकि ये रेगुलर इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। अगर आप रेगुलर एक हफ्ता इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और उस टी को इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक गुड़हल का फूल लेना है, 1 से 2 तक ले सकते हैं आप, और एक ही गुलाब का फूल लेना है। उनको अच्छे से आपको थोड़े कम पानी में, जितना कि बस ये पत्तियाँ डूब जाएं अच्छे से, उसे आपको पकाना है। और आप देखेंगे 5 मिनट में पकाने के बाद ये इसका कलर भी निकल जाएगा पूरा, आप देखेंगे पत्तियों का कलर पूरा निकल जाता है ये, और जितना भी इसका इफेक्ट है सारा इस सीरम में आ जाएगा। और ये सीरम थोड़ा लिस टाइप का होता है, क्योंकि जितना भी पत्तियों का इफेक्ट है सारा सीरम में आ गया है, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पिछली वीडियो देखेंगे आप मेरी, मैंने गुड़हल का सीरम बनाया था, अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया हो वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इफेक्टिव था, क्योंकि मैं रेगुलर चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ, तो अगर मुझे लगता है कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आप देखिए, नेचुरल चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसका थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब अपना इफेक्ट दिखाती है तो इतना 100% इफेक्ट दिखाती है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप यूज़ करेंगे। अब इसे बनाने का शुरू करते हैं तरीका। इसके लिए ये मैं 1/2 टीस्पून के करीब कावलिन क्ले लूँगी, और इसमें 1/2 टीस्पून ही मैं मुलैठी लूँगी, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें सफ़ेद चंदन लूँगी। और आंवला पाउडर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, उसे 1/2 टीस्पून से भी हाफ लेना है आपको। इन सबको बहुत अच्छे से आपको मिलाना है, पहले आपको इन सूखे में ही इनको अच्छे से पूरा अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें लम्स रह जाते हैं। बहुत अच्छे से आपको इसे मिलाना है, मिलाने के बाद आपको इसमें 2 चम्मच के करीब आपको सीरम डालेंगे पहले, क्योंकि इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। देखिए ये पूरा बन के तैयार है, बहुत अच्छे से फेंटना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए।
ये देखिए इसे मैंने फेट के तैयार कर दिया है। इसे थोड़ा पतला ही रखना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, इतना कि आप अच्छे से अपने फेस को कोट कर सके इसमें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा कोई भी होममेड ऑयल मिला सकते हैं। ये मैंने रोज एसेंशियल ऑयल बनाया हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, 1 से 2 बूंद, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ा ड्राई है। 2 बूंद के करीब ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फेस पैक की तरह यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए। अब इसमें मैंने 2 से 3 बूंद इसमें मैंने रोज़ एसेंशियल ऑयल डाला है। आपके पास कोई भी होममेड ऑयल हो वो मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी होममेड ऑयल नहीं है तो आप इसमें, जिनकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें थोड़ा सा दही मिला सकते हैं। जिनकी स्किन ड्राई है सिर्फ वही इसमें दही मिला सकते हैं। जिनकी स्किन नॉर्मल है उसमें 1 से 2 बूंद दूध की डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा वो। और जिनकी स्किन ऑयली है उसे, उन्हें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली से ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ड्राई स्किन वालों को लग रहा है उनके पास दही भी नहीं है, तो आपके पास कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, जो भी ऑयल है, जैतून का तेल है, जो भी ऑयल है, आप इसमें 1 से 2 बूंद मिला सकते हैं। अगर दही मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अब इसमें मैंने तीनों स्किन के लिए बता दिया है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसे नॉर्मल स्किन वाले भी से ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए आपको फेस को पहले अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको इसे फेस पर अप्लाई करना है और 5 से 10 मिनट अच्छे से ड्राई होने के लिए 5 से 10 मिनट इसे आपको फेस पर रखना है। और रब करने के बाद आपको इसे फेस से धोना है। जब आप अच्छे से फेस को थोड़ा सा गीला करके रब करेंगे तो उससे जितने भी आपकी स्किन पर डेड सेल्स हो गए हैं वो भी पूरे रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा स्क्रब का भी काम करेगा ये। स्क्रब से क्या होगा, आपकी स्किन पर जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव होंगे और जितने भी आपके जो नए सेल्स बनेंगे वो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही फेयर सेल्स बनेंगे। अब डेड सेल से क्या होता है, स्किन आपकी डल हो जाती है, बहुत ही रफ हो जाती है, बहुत ही गंदी लगती है देखने में, क्लीन नहीं होती है। अगर स्किन ब्लैक भी है और वो क्लीन है तो वो शाइन करती है, और अगर उस ब्लैक स्किन पर आपके देखेंगे डेड सेल्स हो गए हैं तो वो स्किन बहुत ही डल और बहुत ही गंदी लगती है। इसलिए आपको इसे फेस पर अच्छे से रब करना है, उसके बाद ठंडे पानी से आपको फेस को वॉश करना है, और कोई भी होममेड क्रीम या कोई भी आप जो भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको वो अप्लाई करनी है। आप इसे हफ्ते में 2 बार अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि विंटर का मौसम है तो थोड़ा अप्लाई करेंगे धूप में बैठते हैं तो कलर थोड़ा ब्लैक हो जाता है। हफ्ते में 2 बार अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन शुरू शुरू में आपको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है। उससे क्या, आपकी स्किन पूरी क्लीन हो जाएगी और आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो धूप में बैठने से, या फिर वैसे भी नेचुरली आपकी स्किन ब्लैक है तो वो आप देखेंगे रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन 1 से 2 टोन तक फेयर हो जाएगी, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो नेचुरल ही हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही इफेक्टिव है स्किन के लिए। आप इसे अप्लाई कीजिएगा, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।